उत्तर मुंबई के कांदिवली के दामूनगर के भीमनगर नाका में उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन के युवा उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी और बसपा के पदाधिकारियों के बीच आम सभा को रखा, जिसमें प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह, समाजवादी पार्टी के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष गिरिजा शंकर यादव, बसपा के उत्तर मुंबई जिला सचिव जगदीश विश्वकर्मा, बसपा के मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश खरे, बसपा के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष एडवोकेट संजय सोनवड़े, बसपा के उत्तर मुंबई की महिला अध्यक्ष एडवोकेट हर्षा चौकेकर, बसपा के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी नामदेव तुकाराम खंदारे समेत भारी संख्या में गठबंधन के पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान गीत संगीत का भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो ही कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह और महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी ने मीडिया से खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस बातचीत के दौरान इन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर हमारी ये खास खबर। सर्वप्रथम विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्ञान की देवी सावित्री बाई फुले, मान्यवर काशी राम जी के चरणों में मेरा सादर सप्रेम जय भीम। यहाँ पे उपस्थित बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सम्माननीय पदाधिकारियों को मेरा सप्रेम जय भीम। मैं उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र का बसपा सपा गठबंधन का उम्मीदवार, आपके हर सुख दुख का साथी मनोज कुमार सिंह, एक युवा सोच लेकर आपके बीच जनसेवक की हैसियत से आया हूँ, ना कि सियासत की गर्माहट से प्रेरित होकर आया हूँ। मैं एक सफल व्यवसायी हूँ, अपना व्यापार कर रहा था, पर उत्तर मुंबई की समस्या से आहत होकर मेरे जेहन में ये सवाल बार बार बना रहता था कि आज़ादी के लंबे अरसे के बीच जाने के बाद भी आज भी उत्तर मुंबई की समस्या जस की तस बनी हुई है। हर 5 साल में सांसद, विधायक और नगर सेवक यहाँ के चुन के आते हैं और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर मैं आपके बीच वादा करने नहीं बल्कि विकास का इरादा लेके आया हूँ। तो बस ये चुनाव का विकास का एक आगाज है। धड़कनें जब रोती हैं तो सिसकियों में लोग किलकारी समझते हैं। आपको मेरी छटपटाहट अगर राजनीति लगती है तो महसूस कीजिए उस बेजुबान नवजात को जिसे भूख लगी है और वो रो भी नहीं सकता। मेरी जन्मभूमि यूपी है, लेकिन मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है, और जिस तरह बहन जी ने यूपी में पूरी ताकत के साथ डेवलपमेंट किया है, वही डेवलपमेंट करने के लिए आज मैं यहाँ सभी बहुजनों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय का संकल्प लेकर, जिसके जिंदगी का संकल्प ही हर पल हर क्षण लोगों की सेवा करना, आपके बीच जनसेवा के लिए आया हूँ। और परसों मैं यहाँ प्रचार कर रहा था तो मैं उस प्रचार में बार बार ये कह रहा था कि बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो वहाँ के, अब शायद हमारे पक्ष के थे या किसी और पक्ष के, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि बहन जी को ही क्यों, मोदी साहब में क्या खराबी है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर मुझे वो सुन पा रहे हैं या मुझे देख पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद, उस समय जब भी कोई दुखद घड़ी उत्तर प्रदेश में आई है, तो सबसे पहले ये जुमलों की सरकार ने लांछन लगाया है वहाँ पर हमेशा। और आज कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश में एक दुखद घटना हुई थी जिसे पुलवामा हमले के नाम जानते हैं हम लोग। जैसे ही वो हमला हुआ, वहाँ से बहन जी का स्टेटमेंट आया कि इस दुखद घड़ी में हमारी सरकार, हम अपनी सरकार के साथ हैं। भाई और बहनों, डिसीजन आप लीजिए, समझदार कौन है, बहन जी या मोदी जी? हमारे सांसद, यहाँ के जो माननीय सांसद हैं, वो कहते हैं कि बिना प्रचार किए वो जीत जाएंगे क्योंकि मोदी साहब की लहर है। मोदी साहब जो है वो चाय बेचते थे, लोग कहते हैं कि मोदी साहब चाय बेचते थे, गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पे वो चाय बेचने का काम करते थे। मेरे बाजू वाला भी भाजी बेचता था, भाईखला से भाजी लेके आता था और यहाँ मलाड की फुटपाथ पे भाजी बेचता था वो। लेकिन जहाँ से वो भाजी लाता था, वो भाजी मार्केट भाईखला में है आज, ये फुटपाथ भी आ जाए मलाड़ में यहाँ पे, लेकिन वो जहाँ चाय बेचते थे वो स्टेशन नहीं है वहाँ पे। ये सरकार आई है तो लोगों का व्यवसाय आगे बढ़ा है। जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ तो देखा है मैंने, हर जगह बोर्ड वही लगा हुआ है, कहीं पतंजलि तो कहीं अडानी
तो कहीं अंबानी। अब समझिए आपकी किसका व्यवसाय बड़ा है और क्या हुआ है। हमें भी दो वक्त की रोटी चाहिए होती है, हमारे घर में दिया जलना चाहिए, लेकिन उस पर उनका नजर नहीं है। जाते जाते मैं दो शब्द आपसे कहूंगा, ना हमें पतंजलि का आटा चाहिए और ना ही जियो का डाटा चाहिए और ना ही अंबानी अडानी और टाटा चाहिए, हमें तो जो बहन जी ने किया था उत्तर प्रदेश में वो वाला सन्नाटा चाहिए। अब मैं अपने दो शब्द ही खत्म कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। साथियों, बहुत ही सुंदर स्पीच भैया ने दी, तो सोचिए लोकसभा में क्या हालत करेंगे, सोचिए। ये उत्तर मुंबई लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी ने हमारे प्रत्याशी जो मनोज कुमार सिंह जी को उतारा है, तो मनोज कुमार सिंह यहाँ बड़ी बड़ी पैमाने पे रैलियाँ कर रहे हैं, बड़ी पैमाने पे वो लोगों के बीच में जा रही है, और सब लोगों का यहाँ का कहना है कि जो 29 तारीख को चुनाव है, उस चुनाव के दिन बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को जिताने के लिए मनोज कुमार भाई को भाई भारी वोटों से वो जिताने वाले। सर, बसपा में काफ़ी आपको उत्साह देखा जा रहा है, चंद महीने बाद विधानसभा भी है, तो क्या रोल रहेगा बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन के साथ यहाँ लड़ेगी, और गठबंधन के साथ लड़ के वो विधानसभा चुनाव भी हम एक साथ लड़ के हम महाराष्ट्र की विधानसभा पे नीला और हमारे बहुजन जो समाजवादी पार्टी का लाल जो झंडा है वो फहराने वाले। सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए और जहाँ पे जो लोग सभा में आए? मेरा सभी को विनंती है, मेरे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के, दो दिन रहने वाले हैं हम लोग सब मिलके दो दिन रहने वाले है, और दो दिन में सब भाई जैसा बर्ताव करके यहाँ एकजुट होके सब समाज के अंदर जाइए और अपना वोट डाल के हमारे मनोज भाई को चुना के लाए। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे आप जिस प्रकार से जाहिर सभा हुई है, इस जाहिर संख्या में लोगों में जोश है आपको लेकर के, यहाँ के जनता में भी काफ़ी कुछ उत्साह? हमारे प्राध्यापक जी आए, आदरणीय, मेरा उत्साह बढ़ा बहुत इससे, और जो इन्होंने बताया विजयी तो हम हो रहे हैं, आपको मालूम है, आपने मुझे पहले भी कवर किया है, और इस सीट से बहुत ही इनके आने से यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे गिरिजय शंकर जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, उनके आने से जो उन्होंने भाषण किया उससे जो हमारे कार्यकर्ताओं में जो एक नया ऊर्जा जो उमड़ के आई है, उससे मैं अपने आप को एक नहीं दो बार विजयी मान रहा हूँ। मनोज जी, यूपी में जो है चुनाव में गठबंधन सफल रहा है जी, और यहाँ के में गठबंधन कितना 100% सफल है, 100% सफल है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो हमारे आदरणीय प्रताप जी ने जो कहा अभी, हम जो है विधानसभा के ऊपर नीला और लाल झंडा लहरा रहे हैं। मनोज जी, आप काफ़ी युवा हैं, युवाओं को भी लेकर आप में काफ़ी जोश देखा जा रहा है, अभी कहा गया कि आज एक मतलब आप नेता के साथ साथ अब नेता लुक है आपका, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? वो जो मेरे युवा दोस्त लोग हैं और जो मेरे युवा भाई बंधु हैं, उनका एक अच्छा योगदान है, और वो जो कहते हैं उस चीज़ को, अब उनको उनका कहना ऐसा होता है कि युवा ही जो है संसद में जाए और मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए, तो मैं उनके साथ सतर्क रोके खड़ा हुआ हूँ और हमेशा रहूँगा।